इफ यू गेट अ चांस टू प्ले आईपीएल, अगर इस साल आईपीएल में खेलने का हो, किस एक टीम में जाना चाहोगे? आरसीबी। विराट के अलावा क्या अच्छा लगता है? टीम अच्छा है ना। 16 साल से नहीं, इफ यू गेट अ चांस टू प्ले आईपीएल, अगर इस साल आईपीएल में खेलने का हो, किस एक टीम में जाना चाहोगे? आरसीबी। रीजन इज ऑब्वियस, विराट कोहली। नहीं, बहुत रीजंस है, अच्छा लगता है मुझे। विराट के अलावा क्या आरसीबी अच्छा लगता है? टीम अच्छा है ना आरसीबी का। 16 साल से नहीं जीते आज तक, रिजल्ट नहीं आया वो दूसरी बात। तो फिर और क्या अच्छा, बिकॉज किसी और से पूछो तो कहते हैं कि आरसीबी क्योंकि विराट कोहली है। इतना काफी सही है, विराट कोहली के साथ भी मतलब ड्रेसिंग रूम में हो तो कुछ सीखने को। तो बताओ आरसीबी और क्या अच्छा टीम है, जरा बताना मुझे, थोड़ा सा जानू तो। इतने कॉन्फिडेंस आप कह रहे हो कि और बहुत सारी चीजें अच्छा है ना उसको, बस मुझे अच्छा दिखता है, आपको क्या मुश्किल है? सुपर सुपर। सोशल मीडिया पे कौन सा आता है ज्यादा? मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज्यादा रहता हूं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ओके, अभी राइट नाउ दुनिया की सबसे अच्छी टीम कौन सी? सारे फॉर्मेट में लगा देख लो, टी20 टेस्ट ओडीआई। आई थिंक इंडिया। इंडिया, चलो फिर इंडिया में काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ ट्रिकी करते हैं। मैं इंडियन कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगा, नॉट इट, बिकॉज हर खिलाड़ी अपना अलग होता है, बट स्टिल जैसे ऑलराउंडर है, बॉलर है, आप क्लोज से पाते हो। सो लाइक हमारे इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या इक्वल खड़ा करना मैच करवाना, आप इसे चुनोगे? हमारी टीम में हाँ, अजमत। मैं रखूंगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के फजल हक तो लिफ्टी है ना, वो तो लिफ्ट उसको तो बुमराह के जगह ना, उसको तो बुमराह के जगह। अच्छा, ये वाला भी है? हाँ, पांच नाम है। अच्छा, शमी को हमारा एक नया लड़का भी आया, नवीन जदरान, टेस्ट खेलता है अभी तक, वो उसका नाम डालो। सुपर। रोहित विराट, आपका थिंक ओपनर के नाम लोगे दोनों? हाँ, एक गुरबास और एक इब्राहिम। सुपर सुपर। सबसे अच्छी वॉकर कौन डालता है, मिचेल स्टार्क या जसप्रीत बुमराह? दोनों अच्छे, स्टार्क भी। चलो अगर एक बॉलर लेना पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से, हाँ वर्ल्ड क्रिकेट से एक बॉलर अफगानिस्तान की टीम में डालने का मौका मिल रहा है, किसे लोगे? जो भी हो, किसी कंट्री, किसी कंट्री से। क्या बढ़िया टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग। मार्कवुड को। मार्कवुड को, हाँ 150 वाला चाहिए। वही चाहिए मुझे। रस्ता से डर लगता है? डर तो नहीं लगता, लेकिन खुश होगा कि हमारे साथ हो। सुपर सुपर। वर्ल्ड का सबसे फास्ट डराना वाला कौन सा लगा? इसको देख के लगता, खेला ना खेला अलग बात है, किसे देख के लगा यार ये अगर मेरे को बॉलिंग करता थोड़ा सा दिक्कत होती? जैसे मैं एक बार विराट कोहली को सुना था, उसने कहा शबक्कर को देखते थे वो रन अप लेकर दौड़ते हुए, लंबे बाल, तो लगता था अपने पीक में काफी लीथल रहे होंगे। किसको देखा लगता, वकार, शबक्कर या और कोई दुनिया में? ब्रेटली था एक जमाने में, आई थिंक ब्रेटली भी बहुत टफ था। और एक नाम बताओ यादव, एक नाम, एक शॉन टाइट, उसका एक ओवर जो 160 प्लस, हाँ सारा ओवर, सारा ओवर वो बहुत हेड एंड कीपिंग करता है, क्या खतरनाक डेडली ओवर था। शॉन टाइट हमारा कुछ भी रह चुका है थोड़ा टाइम के लिए, इज टू गुड, टू फास्ट, एक्चुअली टू फास्ट ओवर से। किसे? पाकिस्तान से मैच था, शायद पाकिस्तान से मैच था, हेड एंड कीपिंग कर रहे थे, और वो हर बॉल 156 150, आई रिमेंबर दैट गेम, 156 से एक बॉल भी स्लो नहीं डाला उसने, बहुत तेज डाला। अभी फैमिली में कौन कौन आपके साथ? फैमिली में मेरा दो भाई और तीन सिस्टर है मेरा, सिस्टर्स तो शादी हो चुका है उसका, वो अपने घर में रहते हैं, और मैं और मेरा दो भाई, हम जॉइंट फैमिली है, एक घर में रहते हैं हम सब, और मम्मी पापा का इंतकाल हुआ है, और मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, ये मेरे साथ। कितने बच्चे? तीन बच्चे, सब अफगानिस्तान में रहते हैं? सब अफगानिस्तान में, काबुल में रहते हैं, हाँ, और एक उसमें डॉटर है मेरा, और टू सन्स। अब जैसे अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी खबरें नहीं आती है, टेक ओवर गवर्नमेंट से, तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, अफगानिस्तान क्रिकेट में क्या चैलेंजेस हैं अभी जो आपको लगता है दूर होने चाहिए तो आप अच्छा करोगे? अफगानिस्तान क्रिकेट में क्या क्या चैलेंजेस अभी हैं जो आपको लगता है कि दूर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा? अभी तो देखो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है हमारे साथ के, आप इसको भी देख लो कि मतलब लास्ट टू ईयर्स हमारा टीम का परफॉर्मेंस, जब टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है ना तो जाहिर सी बात है पीछे भी मतलब इतना चैलेंजेस नहीं होता है।